मेडिकल एंट्री टेस्ट तलबा और तालबात के लिए है कड़ा इम्तिहान। के पेपर लीक आउट होने पर इन्हें दोबारा इम्तिहान देने आना पड़ा। फैसलाबाद में 6,645 उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया, इसमें 4,243 तालबात हैं। सेंटर्स के बाहर मौजूद वालदैन अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआगो रहे। मैं पूरा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह, इस दफा इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं, तो बाकी अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि सभी बच्चे कामयाब हों। इंतजामात बड़े अच्छे हैं, पेरेंट्स बाहर हैं, सब दुआएं कर रहे हैं, तस्बीहें पकड़ी हुई हैं। मैं सभी बच्चों के लिए दुआ करता हूं, मेरा बेटा भी कामयाब हो और सभी बच्चे कामयाब हो। एंट्री टेस्ट के लिए जिस यूनिवर्सिटी का इम्तिहानी मरकज तलबा के लिए मुख्तिस था, तो तालबात ने वेमन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन और जरे यूनिवर्सिटी में अपनी किस्मत आजमाई। टेस्ट देने वाली तालबात का कहना है कि अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट दिया है, बेहतर नतीजे की उम्मीद है। मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी, तो अब टेस्ट भी इजी था, अब देखें क्या बनता है, होपफुल है। एंट्री टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, पार्किंग और तलबा के साथ आने वाले वालदैन के बैठने के लिए भी खसूसी इंतजाम था। कमिश्नर मोमन अली आगा और डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने इम्तिहान के शफाफ इनेकाद के लिए खुद इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। कैमरा मैन जहाद मलिक के साथ फरजाना सदीक, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।